Assalamualaikum viewers and welcome back to the channel from Istanbul, Turkey. उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हम इस्तांबुल एयरपोर्ट से निकलकर करीबी मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ से हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं और इस्तांबुल को एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, होटल में चेक इन के बाद हम यहाँ सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। ये इस्तांबुल का एक हिस्टोरिकल एरिया है जो कि यूरोपियन साइड ऑफ इस्तांबुल पे वाक़ है। इसे ओल्ड इस्तांबुल भी कहते हैं। यहाँ पर तमाम तर तारीखी टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जैसे ये आप सामने हाया सूफिया देख रहे हैं, सुल्तान अहमद मॉस्क है जिसे ब्लू मॉस्क कहते हैं, और इस तरह की बाकी सारी जो मेन हिस्टोरिक अट्रैक्शंस हैं वो सारी इसी एरिया के अंदर हैं। जी, ये हाया सूफिया आप देख रहे हैं सामने अपनी स्क्रीन पे, और अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। अभी चलते हैं इसके अंदर और इसकी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करते हैं। हाया सूफिया बेसिकली ईसाइत मज़हब को मानने वालों के लिए एक बहुत मुकद्दस और तारीखी किस्म की इमारत है। हाया सूफिया को सबसे पहले कॉन्स्टेंटीन ने तामीर करवाया था। कॉन्स्टेंटीन जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर का किंग था, उसने जब ईसाइत इख्तियार की तो यहाँ पर एक चर्च बनवाया और इसी के नाम पर बाद में ये शहर कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाया, जिसको कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता था। जी व्यूअर्स, आप ये मेरे पीछे वो जगह देख सकते हैं जहाँ पर बाइजेंटाइनी एम्परर्स की ताजपोशी हुआ करती थी, और वो इस बात का भी हलफ लेते थे कि वो हाया सूफिया की हर मुमकिन हिफाजत करेंगे। यही एम्परर्स जो हैं वो कैसर रोम भी कहलाते थे। यहाँ अंदर रोशनी थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से आपको शायद वीडियो कुछ डार्क नज़र आए, लेकिन खैर। जी, यही वो कुस्तुनतुनिया का शहर है जिसके बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बशारत दी थी कि इस शहर को फ़तह करने वाला लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा और उस लश्कर का अमीर बेहतरीन अमीर होगा। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब इस शहर को एक हैरानकुन मार्के के बाद फ़तह किया तो इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसके अंदर कुछ चीज़ों का इजाफ़ा भी किया, जैसे मीनार तामीर करवाए, और आप जो मेन हॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि खुलफाए राशिदीन के नाम लिखे गए हैं वो लिखवाए गए, और मेहराब तामीर करवाया। और 20वीं सदी के आगाज़ में जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी तो इस मस्जिद को उसने म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया, जिसको बाद में दोबारा मस्जिद में तब्दील किया गया और ये आजकल हाया सूफिया मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन उसके बावजूद आप ये कॉरिडोर्स में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो मोज़ैक हैं वो अभी तक उसी तरह कायम हैं। कुछ मोज़ैक्स के ऊपर हज़रत बीबी मरियम और कुछ के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शबी जो है वो भी बनाई गई है। और ये जो आप सामने रैक्स में ज्वेलरी और कुछ उस वक़्त के इस्तेमाल होने वाले बर्तन देख सकते हैं जो कि
रॉयल फैमिली या जो सुल्तान है उनके इस्तेमाल में थी, जो यहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया गया उसके अंदर मौजूद हैं। ये एक और कॉरिडोर है जिसकी दीवार पर एक कैसर रोम का होने वाला एक मुआहदा चस्पा किया गया है, जो पूरी बड़ी एक तफसील के साथ अभी तक मौजूद है, जो उसी रस्म अल-ख़त में जो उस वक़्त इस्तेमाल होता था। और इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी घंटियां भी आपको यहाँ पर कुछ जगहों पर पड़ी हुई नज़र आएंगी, जो कि इस चर्च में कभी हुआ करती थी और इनकी आवाज़ पूरे शहर में गूंजा करती थी। और ये किसी क्वीन की कब्र है यहाँ पर, ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ कुछ इस तरह की कब्रें भी नज़र आएंगी। और दीवारों पर ये एक तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए से इस एक पूरी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि कैसे बतदरीज इसके अंदर तब्दीलियाँ होती गई हैं, और कुछ जो पुराने डिज़ाइन या मोज़ेक्स थे उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि टूरिस्ट उसको देख सकते हैं। जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातह ने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो उसने इस पुरुष को इमारत को देखने के बाद ये फ़ैसला किया कि यहाँ पर हम एक ऐसी बड़ी मस्जिद तामीर करवाएंगे जो कि अपनी शान शौकत और ख़ूबसूरती में इससे ज़्यादा बड़ी होगी और इससे ज़्यादा बढ़कर होगी। तो इसी आया सूफिया के बिल्कुल मुकाबले में सामने सुल्तान अहमद मॉस्क बनाएगी, जिसको ब्लू मॉस्क से भी हम जानते हैं। अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं और फिर हम ब्लू मॉस्क का भी विज़िट करते हैं। जी अभी मैं आपको बाहर से इसका व्यू दिखाता हूँ। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी और कसीरुल मंजिला इमारत है, वो आपको ऊपर तक खिड़कियाँ और कमरे वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन ये टूरिस्ट सिर्फ इसके ग्राउंड फ्लोर पर ही जा सकते हैं। जी ये यहाँ का फेमस दरवेश कैफ़े है, यहाँ आप बैठकर खाना खा सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और साथ में ये दरवेश डांस भी एंजॉय कर सकते हैं। ये दरवेश डांस भी सल्तनत उस्मानिया का एक सकाफ़ती विरसा है, जिसका आगाज़ कूनिया से हुआ और फिर ये मुल्क के दीगर हिस्सों में भी देखने को मिलता है। अभी आजकल इस्तांबुल के मुख्तलिफ कैफ़ेज़ के अंदर और क्रूज़ में आपको ये दरवेश डांस मिलता है, आप वहाँ जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं।
जी व्यूअर्स, ये सामने आप ब्लू मास्क को देख सकते हैं। इस वक्त मगरिब का टाइम है और रोशनी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी डार्क है। लेकिन खैर, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में पहले मैं ज़िक्र कर रहा था, जिसको सुल्तान अहमद ने बनवाया। और ये भी एक ये इस शहर में बनने वाली पहली मस्जिद थी। अपनी खूबसूरत तर्ज तामीर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। इसमें इस्तेमाल होने वाले संगे मरमर की कलर की वजह से इसको ब्लू मास्क के नाम से भी जाना जाता है। ये आप अंदर का व्यू देख रहे हैं, हॉल में काफ़ी ज़्यादा तादाद में नमाजियों की गुंजाइश मौजूद है। जी व्यूअर्स, इस तारीखी एरिया में से गुजरने वाली मेट्रो ट्रैम इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा करती है, और ये टूरिस्ट के लिए सहूलत भी है। ख़ास तौर पर इस्तांबुल शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बहुत शानदार है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत सी ऑप्शन मिल जाती हैं। आप मेट्रो बस यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, फेरीज यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह मेट्रो ट्रैम्स भी। इवन कुछ एरियाज़ के अंदर ओल्ड क्लासिक ट्रैम्स भी अभी तक चलती हैं, जो कि खिलाफत उस्मानिया के दौर में चलाई गई थी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप कुछ मज़ीद जानना चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया से तुर्की के लिए वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके उस पर कितना एक्सपेंस आता है, और इस्तांबुल में होटल्स कैसे हैं, पर डे एक्सपेंस क्या है, अगर आपके इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिसको मैं रिप्लाई कर दूँगा डिटेल में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।